गरीब लाचार सड़क पर पड़े परिवार को घर पहुंचाया करदमपुरी वार्ड के निगम पार्षद साजिद खान ने। दरअसल सोशल साइट पर एक महिला अपनी दर्द भरी कहानी बयां कर रही थी कि उसे उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है और अब वह इस वक्त रोड पर ही रह रही है। रोड पर से गुजरने वाला कोई भी राहगीर इस महिला के भूखे बच्चे के लिए दूध दे जाता तो कोई एक वक्त की रोटी, लेकिन जैसे ही ये वीडियो निगम पार्षद साजिद खान ने देखी और वीडियो की पड़ताल की तो ये वीडियो उनके वार्ड के नज़दीक मेन रोड की निकली। फिर क्या हुआ, उन्होंने फौरन अपने कार्यकर्ताओं के साथ महिला से संपर्क किया और उसके हालात का जायज़ा लिया। महिला ने बताया कि उसका आदमी नशे का आदि है और उसके मकान मालिक ने भी घर से निकाल दिया है। फिर निगम पार्षद साजिद खान ने दोबारा उसी मकान में उस महिला को शिफ्ट करवाया और उसके खाने पीने की व्यवस्था कराई। मामला ये था, सोशल साइट पे यूट्यूब पे एक वीडियो आई, वो तो मैंने उस वीडियो को देखा। तुरंत मैं अपने कार्यकर्ता को लेकर वहाँ पर पहुँचा, उस महिला से बातचीत की। उस महिला ने हमें ये बताया कि ऐसे ऐसे मैं कभी किराए पर रहती थी, जो वहाँ के मकान मालिक थे वो मेरे जो हस्बैंड हैं वो नशा करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे 15 दिन हो गए रोड पर रहते हुए। हमने मकान मालिक से बात की, बात करके उसको हमने उस लेडीज़ को उसी मकान में हमने वापसी भेज दिया है। जब तक वो रहेगी उसका खाना पीना सब हम लोग करेंगे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, और जो उसके हस्बैंड थे हमने उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। कोरोना के कहर से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देश भर में सरकार के साथ साथ कई निजी संस्थाएं और लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली के शाबा डेरी इलाके में भी पिछले 1.5 महीने से राजेश मान नाम के एक समाज सेवक यहाँ बजरंग बली की रसोई नाम से लगातार 24 घंटे भंडारा चलाए हुए हैं और यहाँ किसी भी समय खाने के लिए आने वाले हर किसी को भोजन कराने का पुण्य काम कर रहे हैं। वैसे तो इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकारों समेत पुलिस से लेकर कई अर्धसैनिक बल और आर्मी तक हर कोई देश की जनता की सेवा में लगा हुआ है और इन सब के साथ कुछ निजी संस्थाएं और समाज सेवक भी लोगों की परेशानियों को कम करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के शाबा डेरी इलाके में राजेश मान भी एक जाना पहचाना नाम है, जो कि एक समाज सेवक भी है और इन दिनों यहाँ रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किसी देवदूत की तरह लोगों की पीड़ा कम कर दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर वो भगवान बजरंगबली की रसोई नाम से भंडारा चलाए हुए हैं, जो पिछले करीब 1.5 महीने से लगातार चल रहा है। यहाँ बजरंगबली की ये रसोई एक दिन में कई हजार लोगों के पेट भरने का काम कर रही है और राजेश मान द्वारा चलाई जा रही बजरंगबली की रसोई में 24 घंटे खाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ किसी भी समय आने वाले व्यक्ति को खाना खिलाया जाता है और सुबह व शाम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को भोजन भी वितरित किया जाता है और खाना तैयार करते समय भी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर रोज अलग अलग भोजन लोगों के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, जैसे कि आपने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी हमारे हंगर सेंटर हैं जगह जगह चला रहे हैं हम लोग, उसी कड़ी में हमारे यहाँ पर समाज सेवी हमारे राजेश मान जी आपके बीच में हैं, जो जब से लॉकडाउन हुआ है लगातार इनकी बजरंग बली की जो रसोई है ये लगातार डेयरी के हर कोने में चल रही है। ये तो कह रहे थे कि दो जगह, मैं कह रहा हूँ 4-5 जगह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी डेयरी को मैनेज किया है और डेयरी क्या वार्ड नंबर 32 एंड 19 के अंदर लगातार ये सेवाएं कर रहे हैं, सूखा राशन भी दे रहे हैं लोगों को और ये अपने भंडारे भी चला रहे हैं और जहाँ ज़रूरतमंदों को दवाई की ज़रूरत है दवाई भी दे रहे हैं, जहाँ फल की ज़रूरत है वहाँ फल भी दे रहे हैं और अपना इन्होंने घर घर जाकर के वार्ड नंबर 32 एंड 19 के अंदर सैनिटाइजेशन भी किया है पूरे वार्ड नंबर 32 को, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा वार्ड नंबर 32 के अंदर की है और अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है ये बजरंगबली के आशीर्वाद से, उनकी ही प्रेरणा से, ये हमारा सभी विधायक जी हैं, मास्टर जी हैं, रोशनलाल बंसल जी हैं, समुंदर जी हैं और जितने भी यहाँ पर वकील साहब हैं, यास्मीन जी, ये सब हमारी एक टीम है, ये 50-100 लोगों की, इन सब ने मिल के ये हमने जो भंडारा चालू किया ये इसलिए किया, यहाँ पे लाखों की आबादी है और 98% लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ खाते थे कमाते थे और दिल्ली सरकार जो सुविधा दे रही है बहुत सुविधा दे रही है, लेकिन अगर हम उनका साथ नहीं देंगे
तो शायद ये पूरा नहीं हो पाता। अब जिस तरह से राजेश मान जैसे समाज सेवक लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है, और यहाँ के लोग बजरंग बली की इस रसोई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि दूसरे लोगों और संस्थाएं भी राजेश मान जैसे लोगों से प्रेरणा ले और इस मुश्किल हालात में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। देश भर में 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 लागू हो गया है जो आगामी 17 मई तक जारी रहेगा, जबकि दूसरी ओर इस बार लॉकडाउन में सरकार ने शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी है। इसी के तहत देश भर में केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में शराब की दुकान को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। जहां एक ओर सोमवार को सुबह से ही शराब की दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और कोरोना वायरस के संक्रमण से बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को लोग भूल गए और लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को भी दिल्ली में हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। हालांकि सोमवार के मुकाबले हालात बेहतर जरूर दिखाई दिए। दिल्ली के बुधविहार इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए, जहां सोमवार को तो हालात बेकाबू थे ही और दूसरी ओर मंगलवार को भी बुधविहार में शराब की दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आलम यह रहा कि यहां लोग एक लंबी कतार में शराब लेने के लिए मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस लंबी कतार में शराब लेने के लिए महिलाएं भी मौजूद रहीं। हालांकि सोमवार के मुकाबले पुलिस यहां पहले से ही सतर्क नजर आई और खुद इलाके के SHO ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को व्यवस्थित करते नजर आए। सोमवार के बाद मंगलवार को जगह जगह से आई तस्वीरों ने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन बावजूद इसके कुछ एकाध जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें भी सामने आई, वहीं लोगों की लंबी लंबी कतार भी नजर आई। आलम यह रहा कि कई जगह शराब लेने के लिए महिलाएं भी मौजूद रहीं। दिल्ली से अपने सहयोगी परमजीत सिंह के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।